ठीक है, बहुत ही अहम मुकाबला था ये हरियाणा क्रिकेट अकेडमी और केकेआर बढ़ी के बीच में, और हरियाणा क्रिकेट अकेडमी ने क्वालिफाई कर लिया था इस ग्रुप से। केकेआर मढ़ीन के लिए एक शानदार मौका था कि अगर ये मैच जीते तो क्वालिफाई करेंगे। तो आपको बता दें कि केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही शानदार लक्ष्य एक पेश किया, जिसमें अभिषेक का बहुत अच्छा योगदान रहा। 66 रन बनाया उन्होंने 36 गेंदों में, 175 रन कुल योग यहाँ पे रहा केकेआर मढ़ीन का। हरियाणा क्रिकेट अकेडमी जानी जाती है अपनी गेंदबाजी के लिए, तो आज उन्हें एक अच्छा आंका यहां पर केकेआर मढ़ीन ने। जवाब में हरियाणा क्रिकेट अकेडमी केवल 146 रन ही बना पाई। पहले मैं बुलाना चाहूंगा हरियाणा क्रिकेट अकेडमी के कप्तान हितेश जमिनी को। जैसे आप देख रहे हैं कि बैटिंग काफी आसान हो गई इस विकेट के ऊपर, थोड़ा लेफ्ट आर्मर्स को जो एक एडवांटेज होता था वो कुछ कम हुआ है इस विकेट के ऊपर। हालांकि आप अभी भी बेहतरीन गेंदबाजी डाल रहे हैं, लेकिन एक अच्छा पाटा विकेट हो गया हुआ है ये, तो कुछ अप्रोच आपने चेंज करनी है। आगे वाले दौर में आप क्वालिफाई कर चुके हैं। बिल्कुल भैया, अगले दो मैचों में हमारे को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बैट्समैन को डोमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो विकेट होता था बॉलिंग के लिए होता था, तो बॉलर्स हमारे अभी भी थोड़ा बढ़िया ही कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन अब चेजिंग का स्टाइल थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि चेजिंग 150-160 तो ईजी चेज हो सकती है इस विकेट पर, तो थोड़ा बॉलर को भी बैट्समैन को भी थोड़ा बढ़िया करना पड़ेगा। जी बिल्कुल हितेश, जैसे हम देख चुके हुए हैं कि एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप भी यहाँ पे 150-160 के बीच में रन जो है खा रहा है, तो एक बैटिंग डोमिनेटेड ये अब गेम होगी हुई है, तो आशा करूंगा कि आप अच्छे बैट्समैन लेके आएंगे अपने नॉकआउट स्टेजेस में। बिल्कुल भैया, इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अब की बार 120 पे मैच जीत जाए, 130 पे जीत जाए, अब की बार थोड़ा बैटिंग डोमिनेट रहेगा। जी बिल्कुल हितेश, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर मैचेस। आप हमारे नॉकआउट फेज में बने हुए हैं हमारे साथ, तो देखते हैं वहां पे आप क्या दमखम दिलाते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए हमारे केकेआर मढ़ीन के आज फिर से मैन ऑफ द मैच अभिषेक कुमार। लगातार दूसरी बार ये मैन ऑफ द मैच आते हुए आज इस खिलाड़ी ने 66 रन बनाए 36 गेंदों में और एक विकेट भी चटकाया अपनी टीम के लिए। अभिषेक, खासा रास आ रहा है आपको ये विकेट, लगातार दूसरी बार मैन ऑफ द मैच आ पाए हैं। पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने इतनी अच्छी विकेट बनाई, जिसकी वजह से बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है, बल्लेबाजों को बैटिंग में बहुत मदद मिलती है। और जो हमारे बॉलर साहब, अगर बैटिंग नहीं देखी जाए और बॉलर भी देखे जाए, तो हमारे बॉलर रन नहीं खा रहे, इस वजह से हमारा बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत ही बैलेंस टीम लग रही है आपकी, जो है बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बैट्समैन तो कमाल कर ही रहे हैं। तो मैं आप पूछना चाहूंगा आपके कप्तान तरुण सरीन से भी कि तरुण, आप काफी देर से यहाँ पे खेल रहे हैं हमारे साथ, काफी देर से तरुण आप खेल रहे हैं और इस बार आप लीड भी कर रहे हैं टीम को, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कैप्टनसी को देखने में कि जैसे आप फील्ड रोटेट कर रहे हैं, बीच में खुद लेट डाउन दी ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब जब आप देख रहे हैं कि बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि आप भी टॉप ऑर्डर में शानदार खेलते हैं, तो कैसे आपने अप्रोच चेंज किया आपने कुछ विकेट को लेकर? विकेट एक्चुअली बहुत अच्छा बना इस बारी, तो बैटर उसका बैलेंस तो मिलेगा ही, तो जो भी हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ भी अच्छी है, बॉलिंग स्ट्रेंथ भी अच्छी है, तो यूटिलाइज बहुत अच्छी हो रही है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, एक दूसरे की बात मान रहे हैं, तो बस इसी के कारण हम जीत। बिल्कुल तरुण, एक वेल डिसिप्लिन टीम लग रही है आपकी, आपका एक मैच अभी भी बाकी है, मैं चाहूंगा कि आप वो भी जीतें और ग्रुप टॉप करें। कुछ चेंजेस करना चाहेंगे या सेम कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे आखिरी मैच में? ये नेक्स्ट मैच में सोचेंगे, अभी मतलब उस दिन ही सोचेंगे, अभी कोई। बिल्कुल आज एंजॉय करें, आपने ग्रुप क्वालिफाई किया है और टुमारो आपके लिए ऑल द बेस्ट।